हेलो एंड वेलकम टू वीनस लॉ क्लासेस। सो गाइस, आज के इस वीडियो में हम फिर से बात करने वाले हैं रिजर्वेशन पॉलिसी के बारे में। ये वीडियो काफी एग्जॉस्टिव रहेगा क्योंकि हम पूरा सिनेरियो समझने की कोशिश करेंगे आफ्टर मंडल केस टिल जरनैल सिंह, जो 2022 में आपका जजमेंट आया है। इसके बीच में काफी जजमेंट्स आएंगे, काफी कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट्स आएंगी, कुछ कॉन्सेप्ट्स आएंगे जैसे कैरी फॉरवर्ड रूल, कैच अप रूल, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ कॉन्सिक्वेंशियल सीनियोरिटी, इन सभी पे हम बात करेंगे। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। वीडियो लंबा जरूर हो सकता है पर आई होप आपको ये फुल क्लैरिटी देकर जाएगा। तो चलिए हम बात करते हैं, थोड़ा सा रिकैप लेते हैं इंदिरा सोनी जजमेंट के बारे में। तो इंदिरा सोनी वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया, जिसे हम एक लैंडमार्क केस कहते हैं रिजर्वेशन पॉलिसी पर, अगर मैं आपसे इसके एक इशू की बात करूं जो कि रिलेट करता था प्रोमोशन से, तो अगर मैं आपसे पूछूं कि क्या एससी और एसटी कैंडिडेट्स को रिजर्वेशन मिलना चाहिए प्रोमोशन में, इसका आंसर क्या दिया था इंदिरा सोनी वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया जजमेंट में? नो। तो यहाँ पे प्रोहिबिशन लगाया गया था कि व्हेन इट कम्स टू रिजर्वेशन, एंट्री लेवल पर तो आप रिजर्वेशन दे दो एससी और एसटीज को, बट नॉट इन प्रमोशंस। अब यहाँ पे क्या हुआ कि इस जजमेंट को ओवर रूल करने के लिए पार्लियामेंट एक कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट लेकर आया, 77th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट। इससे क्या किया गया कि एससी और एसटीज के लिए रिजर्वेशन पॉलिसी लाई गई प्रमोशंस में भी, कि अगर हमें प्रमोशन कराना है तब भी हम रिजर्वेशन पॉलिसी ला सकते हैं। तो एक इनेबलिंग प्रोविजन लाया गया कि स्टेट, अगर आप चाहते हो कि रिजर्वेशन में भी प्रमोशन मिले, अगर आपको लगता है कि एससी एसटी कैंडिडेट्स एडिक्वेटली रिप्रेजेंटेड नहीं है इन दी सर्विसेज ऑफ स्टेट, तो आप क्या कर सकते हो, आप रिजर्वेशन पॉलिसी लेकर आ सकते हो। तो आई होप आपको यहां तक बिल्कुल क्लियर होगा। अब एक कॉन्सेप्ट आता है कॉन्सिक्वेंशियल सीनियोरिटी। यहीं पे हम बात करते हैं कैचअप रूल की, इसी को हम कैचअप रूल इससे भी बुलाते हैं। तो समझते हैं एक एग्जाम्पल के साथ कि व्हाट इज द मीनिंग ऑफ कॉन्सिक्वेंशियल सीनियोरिटी। पहले आप यहाँ पे बात कर लेते हैं, इन यूनियन ऑफ इंडिया वर्सेस बीरबल सिंह चौहान, इट वॉज हेल्ड दैट एससी और एसटीज हु आर गिवन द बेनिफिट ऑफ प्रमोशन वुड नॉट गेट कॉन्सिक्वेंशियल सीनियोरिटी। क्या मतलब है इस जजमेंट का, समझते हैं छोटे से एग्जाम्पल की हेल्प से। तो समझिए कि सपोज यहाँ पे एक कैंडिडेट है हु बिलोंग्स टू जनरल कैटेगरी, और यहाँ पर एक कैंडिडेट है हु बिलोंग्स टू एससी कैटेगरी। ये एससी कैटेगरी के कैंडिडेट हैं, अभी ये बी क्लास सर्विस में दोनों अपॉइंट हो रखे हैं। और एक फैक्ट ये है कि ये जो जनरल कैटेगरी का पर्सन है, ये पहले अपॉइंट हुआ है बिफोर दी एससी कैटेगरी। समझ आ रही होगी आपको कि ही इज द सीनियर इन टर्म्स ऑफ टाइम पीरियड। अब यहाँ पे क्योंकि ये बी कैटेगरी में है, अगर हमें प्रोमोशन के लिए जाना है फॉर एग्जाम्पल ए क्लास सर्विस में, तो पहला क्वेश्चन उठता है कि क्या रिजर्वेशन मिल सकती है प्रोमोशन में? 77th अमेंडमेंट एक्ट इसका आंसर देती है यस, कि आप इसको प्रमोट कर सकते हो विद द हेल्प ऑफ रिजर्वेशन पॉलिसी। अब ऐसे कैंडिडेट यहाँ पर आ जाएंगे। अब सपोज कि कुछ क्राइटेरिया अपने बेचारे फुलफिल करता 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 जनरल कैटेगरी का कैंडिडेट भी यहाँ पे ए क्लास सर्विस में पहुंच जाता है। अब क्वेश्चन आता है कि कोई सीनियोरिटी से रिलेटेड कुछ बेनिफिट्स होते हैं, तो हु इज द सीनियर, सीनियर कौन काउंट होगा? तो यहाँ पे वैसे तो ये जनरल कैटेगरी का पर्सन बाद में आया है, तो एज पर वीरपाल सिंह चौहान, तो यहाँ पे तो ये बोला गया कि कोई बात नहीं, आपने प्रमोशन का बेनिफिट दिया, दैट इज ओके, बट सीनियर यही रहेगा जनरल कैटेगरी का कैंडिडेट। पार्लियामेंट ने कहा कि नहीं, ऐसा नहीं होना चाहिए। फिर एससी एसटीज को और बेनिफिट कॉन्फर करने के लिए पार्लियामेंट लेकर आता है कॉन्स्टिट्यूशन 85th अमेंडमेंट एक्ट 2001, जिससे कॉन्फर कर देता है कॉन्सिक्वेंशियल सीनियोरिटी, प्रमोशन प्लस कॉन्सिक्वेंशियल सीनियोरिटी, अब आपको वो भी मिलेगी। तो यानी कि इस कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट का इफेक्ट क्या रहा कि एससी एसटी कैंडिडेट्स को अब कॉन्सिक्वेंशियल सीनियोरिटी भी मिलेगी। आगे चलते हैं। अब क्या होता है कि ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट का ये भी, मतलब यहाँ पे गवर्नमेंट ने काफी जो ऑफिशियल मेमोरेंडम्स लेकर आए,
अब क्या होता है, कैरी फॉरवर्ड रूल को समझते हैं टू अंडरस्टैंड 4B, 16 4B ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, इसको समझते हैं कैरी फॉरवर्ड रूल। तो यहाँ पे क्या होता है कि सपोज इंदिरा सोनी के हिसाब से आप क्या कर सकते थे, एक ईयर में सिर्फ 50% तक ही रिजर्वेशन क्रिएट कर सकते थे इन फेवर ऑफ द रिजर्व कैटेगरी। जो भी आपकी रिजर्व क्लास है, जितनी भी आपको रिजर्वेशन करनी है, व्हाट इज द सीलिंग, लिमिट क्या है, दैट इज 50%। अब क्या हुआ कि सपोज किसी पर्टिकुलर ईयर में कुछ जो कैंडिडेट्स थे एससी और एसटी के, वो नहीं आ पाए। मतलब क्या हुआ कि एक बैकलॉग इकट्ठा हो गया क्योंकि आप उनको अपॉइंट नहीं कर पाए फॉर एनी रीजन। अब अगर आप क्या इनकी वैकेंसीज को कैरी फॉरवर्ड करोगे अगले साल में, आंसर इज यस। कैरी फॉरवर्ड रूल यही कहता है कि आप वैकेंसी को क्या कर सकते हो, आगे के जो ईयर है उसमें कैरी फॉरवर्ड कर सकते हो। अब क्वेश्चन आता है कि क्या ये काउंट होंगी 50% सीलिंग में, क्या इन कैटेगरीज को काउंट किया जाएगा? तो ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट का कहना था कि हाँ, इसको काउंट किया जाएगा, लेकिन पार्लियामेंट फिर से अमेंडमेंट लेकर आता है 14B, और यहाँ पे कहा जाता है 81st अमेंडमेंट की हेल्प से कि इट विल नॉट बी कंसिडर्ड, इसको कंसिडर नहीं किया जाएगा टू डिटरमीन दी सीलिंग ऑफ 50%। आई होप आपको यहाँ तक बिल्कुल क्लियर पिक्चर है। साथ ही साथ अब यहाँ पे क्या होता है कि इन कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट्स को चैलेंज कर दिया जाता है एम नागराज वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया, 2006 का बहुत ही लैंडमार्क केस है इस केस में, कि ये जो कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट्स हैं ये हमारे बेसिक स्ट्रक्चर को इन्फ्रिंज करती हैं। सो दैट इज व्हाई ये क्या होनी चाहिए, दीज कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट्स, इनको अनकॉन्स्टिट्यूशनल डिक्लेयर कर देना चाहिए। सो दिस इज द क्वेश्चन इन एम नागराज, कि ये जो आप प्रमोशन दे रहे हो एससी और एसटी को, तो यहाँ पे इनको क्या करना चाहिए, इसको अनकॉन्स्टिट्यूशनल डिक्लेयर कर देना चाहिए। पहली बात तो मैं आपको रेशो बता रही हूँ, एम नागराज में क्या कहा गया कि नो दीज कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट्स दे आर वैलिड, ये वैलिड हैं, क्योंकि ये आपका कौन से, मतलब अगर आप इक्वालिटी की बात करते हो तो ये सब्सटेंशियल इक्वालिटी करने का ही एक प्रिंसिपल है कि जो लोग पीछे रह गए हैं हमें उनको बढ़ावा देना चाहिए। ये एक डिस्क्रिशनरी प्रोविजन है कि स्टेट अगर चाहे तो क्या कर सकती है, प्रमोशन दे सकती है, लेकिन यहाँ पर कुछ कंडीशंस लगा दी एम नागराज केस ने, कहा कि आप प्रमोशंस कर तो सकते हो बट देयर इज अ कंडीशन, कुछ कंडीशन लगाई गई। तो इसकी बात मैं अभी आपको बताऊंगी कि क्या है, पहले इस पे ही बात कर लेते हैं बिफोर गोइंग टू कंडीशंस, आपको पूरा और पिक्चर क्लियर हो जाएगा। तो यहाँ पे अगर आपको 335 आर्टिकल का पता हो, तो जब भी हम एससी और एसटी को रिजर्वेशन देते हैं तो यहाँ पे कहा गया है कि आप मेंटेनेंस एंड एफिशिएंसी ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन इसको ख्याल में रखेंगे। क्यों? क्योंकि ऐसा ना हो कि आप बिल्कुल ही पुअर कैंडिडेट्स को रिजर्वेशन दे रहे हो, बिकॉज अल्टीमेटली एफिशिएंसी ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन इट इज आल्सो अ मेजर कंसर्न। फिर यहाँ पे एक प्रोविजो ऐड किया गया, जब हम प्रमोशन को लेकर आए उसके बाद क्या हुआ कि एक प्रोविजो ऐड किया गया 2000 में, कि जब आप प्रमोशंस एक्सेट्रा दोगे तो आप क्या कर सकते हो एससी और एसटी कैंडिडेट्स के लिए, कि आप उनके रिलैक्सेशन कर सकते हो क्वालिफाइंग मार्क्स में, कि भाई इनको सपोज अगर जनरल कैटेगरी को 80% चाहिए तो आप बोल सकते हो कि एससी कैटेगरी को सिर्फ 60% चाहिए, रिलैक्सेशन कर सकते हो एक्सेट्रा, इसको भी अपहेड कर दिया गया। नागराज का कहना था कि अगर आप चाहते हो कि रिजर्वेशन मिले तो आपको क्या करना पड़ेगा, एससी और एसटी जो ये कैंडिडेट्स हैं इनकी बैकवर्डनेस इसको शो करना पड़ेगा क्वांटिफाइबल डेटा की हेल्प से। क्वांटिफाइबल डेटा कलेक्ट करना होगा, क्यों करना होगा, टू शो दी बैकवर्डनेस, इसको शो करने के लिए। उसके बाद आप प्रूफ करो इन एडिक्वेसी ऑफ रिप्रेजेंटेशन
और आपको ये भी एंश्योर करना पड़ेगा कि ओवरऑल एफिशिएंसी ऑफ द एडमिनिस्ट्रेशन इट विल बी मेंटेन्ड अगर आप इनको रिजर्वेशन देते हो तो। आई होप यहां तक बिल्कुल क्लियर होगा। अब यहाँ पे क्या हुआ कि अब जरनैल सिंह वर्सेस लक्ष्मी नारायण गुप्ता 2018 में भी एक जजमेंट आया था 5 जजेस बेंच का, आरएफ नरीमान जज उन्होंने इस पे जजमेंट दिया था। तो ये कंसिडरेशन था कि जो एम नागराज जजमेंट है ना, इसको आप 7 जजेस बेंच को रेफर कर दो क्योंकि ये करेक्टली डिसाइड नहीं किया गया। सो यहाँ पे लक्ष्मी नारायण गुप्ता में क्वेश्चन उठ रहा है कि जो नागराज की जजमेंट है ना, दैट इज नॉट करेक्ट, वो करेक्ट नहीं है। तो अब यहाँ पे ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट का क्या कहना है लक्ष्मी नारायण गुप्ता में, वो देख लेते हैं 2018 की जजमेंट में। तो ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि ये जो नागराज में ये चीज कही जा रही है ना कि आप बैकवर्डनेस को शो करने के लिए एससी और एसटीज की आप क्वांटिफाइबल डेटा को कलेक्ट करो, ये जो है ये बिल्कुल विपरीत है किसके रेशो से, इंदिरा सोनी वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया के। क्योंकि इंदिरा सोनी वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया इसमें कहा गया था कि ये जो एससी और एसटीज जो 341 और 342 आर्टिकल, इसमें जो प्रेसिडेंट की लिस्ट लाई जाती है, जिस क्लास का इसमें नाम आता है, हम प्रेज्यूम करके चलते हैं कि वो क्या है, वो बैकवर्ड है। इसलिए कोई भी डेटा की नीड नहीं है कि आप इनको शो करो, उन रेलेवेंट फैक्टर्स की नीड नहीं है कि आप इनको शो करो कि ये बैकवर्ड है, दे आर प्रेज्यूम्ड टू बी बैकवर्ड। यहां तक क्लियर होगा सबको। अब दूसरे पॉइंट पे इनएडिक्वेसी, तो यहाँ पे क्या कह रहे हैं इस पे, हम 2022 पे चलेंगे तो मैं आपको बताऊंगी कि क्या है यहाँ पे। हालांकि बोला गया है कि आपका जो रिप्रेजेंटेशन है वो प्रॉपर नहीं है, उसके लिए डेटा कलेक्ट किया जा सकता है। तो अब यहाँ पे आई होप आपको ये चीज समझ आई होगी कि कोर्ट ने कहा कि स्टेट को कलेक्ट करना पड़ेगा क्वांटिफिएबल डेटा किसके रिलेटिंग, इन एडिक्वेट रिप्रेजेंटेशन ऑफ एससीज एंड एसटीज इन द सर्विसेज ऑफ द स्टेट इफ रिजर्वेशन इज सोट टू बी प्रोवाइडेड इन प्रोमोशंस। तो बैकवर्डनेस शो करने के लिए डेटा की नीड नहीं है, पर इनएडिक्वेसी कि भाई आप इनएडिक्वेटली रिप्रेजेंट हो रखे हो तो दैट इज उसके लिए नीड है। तो आई होप आपको ये भी समझ आया होगा। अब दूसरे पॉइंट पे चलते हैं, नागराज के दूसरे पॉइंट पे जिसको चैलेंज किया जा रहा है जरनैल सिंह की जजमेंट में। तो मैं आपको एक बार से रिकैप ले रही हूँ कि यहाँ पे एक इशू, यहाँ पे दो, कि क्या आप क्वांटिफिएबल डाटा कलेक्ट कर सकते हो टू शो दी बैकवर्डनेस। आंसर इज नो, बिकॉज इट इज नॉट इन कॉन्सोनेंस विद द मंडल केस, दैट इज इंदिरा सोनी वर्सेज यूनियन ऑफ इंडिया, दे आर प्रेज्यूम टू बी बैकवर्ड। सेकेंड चलते हैं, तो यहाँ पे नागराज ने बोला कि अगर आपको प्रोमोशंस में, प्लीज माइंड इट, काफी कंफ्यूजन होता है लॉ स्टूडेंट्स को कि क्या एससी और एसटीज पे क्रीमी लेयर लगती है, एट एंट्री लेवल आंसर इज नो, नहीं लगती। बट नागराज का कहना था कि व्हेन इट कम्स टू प्रोमोशंस क्या क्रीमी लेयर लगाई जा सकती है, तो नागराज ने बोला आंसर इज यस, क्रीमी लेयर to be applicable when it comes to promotions of SC and STs, तो हम दे सकते हैं। तो यानी कि यहाँ पे ये चीज बोला कि क्या constitutional courts क्या creamy layer apply कर सकती हैं? Answer is yes, उन्होंने कहा it is a principle of equality कि जो benefit है, creamy layer का purpose क्या है कि benefit it should reach to the needy, जिसको जरूरत है वहां तक बेनिफिट पहुंचे, इसलिए हम क्रीमी लेयर लगाते हैं। तो जरनैल सिंह का भी यही कहना है कि हां जी, आप प्रोमोशंस में, एससी और एसटीज के प्रोमोशंस में क्रीमी लेयर को लगा सकते हो। आंसर इज इन अफर्मेटिव, यहाँ पे अपहोल्ड कर रहा है जरनैल सिंह किसको, नागराज को। अब फिर 2022 में, यहाँ पे 2022 में ऑनरेबल जस्टिस नागेश्वर राव ये अपना जजमेंट पेन डाउन कर रहे हैं। तो यहाँ पे कुछ पॉइंट्स थे, हालांकि हम बिल्कुल इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को कंसीडर करेंगे कि 2022 में जरनैल सिंह में क्या कहना था। तो पहली बात थी कि क्या
कोट ले डाउन कर सकती है, कि क्या कोट ले डाउन कर सकती है, कि क्या यार्डस्टिक रहने वाली है। टू शो इन एडिक्वेसी ऑफ रिप्रेजेंटेशन ऑफ एससी और एसटीज इन पब्लिक एम्प्लॉयमेंट। तो कोर्ट ने कहा कि नागराज ने ये तो ठीक कहा है कि आप इसको करो, और जरनैल सिंह 2018 ने इसको अफर्म भी किया है, दैट इज ओके। लेकिन इट इज नॉट फॉर द कोर्ट कि कोर्ट रेलिवेंट फैक्टर्स बताए। ये तो स्टेट, ये एक एग्जीक्यूटिव एक्ट होगा, स्टेट रेलिवेंट फैक्टर्स को कंसिडर करे टू असेस द इनएडिक्वेसी ऑफ रिप्रेजेंटेशन। सेकेंड, ये काफी इंपॉर्टेंट इशू था कि व्हाट इज द यूनिट विद रिस्पेक्ट टू विच द क्वांटिफाइबल डेटा शोइंग इनएडिक्वेसी ऑफ रिप्रेजेंटेशन इज टू बी कलेक्टेड, कि यूनिट क्या होगी। देखो ये, इसको भी मैं आपको थोड़ा समझाने की कोशिश करती हूँ। देखो, एक तो होती है एंटायर सर्विस, जैसे मैं बोलूँ रेलवेज, वो एक एंटायर सर्विस है। अब आप इसमें नहीं देखने बैठोगे कि एससी और एसटी प्रमोशन लेवल की जो पोस्ट है उसमें कितने हैं। नो, आपको क्या करना पड़ेगा, आपको कार्डर के अकॉर्डिंग वो करना पड़ेगा कि क्या वो एडिक्वेटली प्रेजेंट हो रहे हैं या नहीं हो रहे। सो कलेक्शन ऑफ इंफॉर्मेशन रिगार्डिंग इन एडिक्वेसी ऑफ रिप्रेजेंटेशन ऑफ एससी एंड एसटी कैन नॉट बी विद रेफरेंस टू द एंटायर सर्विस और ग्रुप, बट इट शुड बी रिलेटेबल टू ग्रेड और कैटेगरी, उसके अकॉर्डिंग आपको शो करनी होगी। तो यहाँ पे बीके पवित्र वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया, इस केस में कहा गया था कि आप पूरे ग्रुप को कंसिडर करो एंड नॉट दी कार्डर। यहाँ पे जरनैल सिंह वर्सेस लक्ष्मी नारायण, यहाँ पे बोला गया कि नो, क्या यूनिट होगा, कार्डर इज टू बी काउंटेड, इसको यूनिट आप कंसिडर करोगे टू गिव द बेनिफिट ऑफ रिजर्वेशन। आई होप आपको ये समझ आया होगा। थैंक यू सो मच गाइस, आई होप मेरा वीडियोस थोड़ा टाइम क्रॉस कर जाता है, सबको शॉर्ट वीडियोस पसंद आते हैं, बट अच्छी बात ये है कि हम पूरे लॉ कॉन्सेप्ट्स को अच्छे से समझे। थैंक यू सो मच, स्टे ट्यून्ड फॉर मोर लीगल जजमेंट्स। थैंक यू।